बारहवीं क्लास के नतीजे 98% आए हैं, 98%। मुझे लगता है कि शायद भारत के 70 साल के इतिहास में किसी राज्य के सारे सरकारी स्कूलों के नतीजे मिला के 98% नहीं आए होंगे। प्राइवेट स्कूलों के 92.2% नतीजे हैं और सरकारी स्कूलों के 97.92% नतीजे हैं, जो कि पूरे देश में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सबसे अच्छे नतीजे हैं। हमारे टोटल 916 स्कूल हैं, जिसमें 12वीं क्लास के पेपर दिए गए, उनमें से 396 स्कूल्स हैं जिसमें 100% नतीजे आए हैं, 100%। और जब से आपकी सरकार बनी है, आपकी अपनी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, 2016 से लगातार नतीजे अच्छे और अच्छे और अच्छे होते जा रहे हैं। 2016 में 88.9% थे, 2018 में 90% हो गए, 2019 में 94% हो गए और इस साल 98% नतीजे आए हैं। एक जमाना था जब कहते थे कि सरकारी स्कूल बहुत खराब होते हैं। एक जमाना था जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कुछ लोग हीन भावना से देखते थे कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इन बच्चों को कुछ नहीं आता। आज हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इन नतीजों से साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम इंटेलिजेंट नहीं है। आज इन नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि इंटेलिजेंस पैसे की मोहताज नहीं होती है। एक जमाना था जब ये कहते थे, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, गरीब आदमी अपने बच्चों को बचपन में ही नौकरी पे लगा देता है, काम पे लगा देता है, ताकि दो पैसे कमा के लाएगा। इन नतीजों ने इसको गलत साबित कर दिया है। इन नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि गरीब आदमी भी अपने बच्चे को पढ़ा के उसका भविष्य बनाना चाहता है। इन नतीजों ने ये साबित कर दिया है कि अभी तक सरकारी स्कूल खराब थे, इसलिए गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता था। जब स्कूल अच्छे हो गए तो गरीब आदमी भी अपने बच्चों में टाइम और पैसा इन्वेस्ट करता है। एक जमाना था जब कहते थे सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं हैं। कहते थे ना कि टीचर आता है स्वेटर बुनते रहते हैं, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, टीचर क्लासों में नहीं जाते। आज इन नतीजों ने यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों के टीचर किसी से कम नहीं है, प्राइवेट स्कूल के टीचर से किसी मायने में कम नहीं है। वही टीचर, वही प्रिंसिपल्स, वही बच्चे, वही पेरेंट्स, तो 5 साल में क्या बदल गया? 5 साल में शिक्षा के अंदर इतनी बड़ी क्रांति कैसे आ गई? क्योंकि दिल्ली की राजनीति बदल गई। आप सब लोगों ने ईमानदार पार्टी को वोट दिया। आज दिल्ली के अंदर जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार इस बात पे यकीन करती है कि अगर हमें देश का भविष्य बनाना है तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिक्षा के ऊपर करनी पड़ेगी। ये सारा जो कुछ बदल रहा है, ये हमने नहीं बदला, बदलने वाले तो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। हमने क्या किया? हमने माहौल बदला है और हमने सारी सुविधाएं दी हैं बच्चों को पढ़ने के लिए और टीचर्स को पढ़ाने के लिए। ये बदला है। घर में जब दो बच्चे होते हैं, एक कमजोर होता है और एक होशियार होता है, तो माँ बाप का सारा अटेंशन कमजोर बच्चे पे जाता है। 2% बच्चे जो हमारे या तो फेल हो गए या कंपार्टमेंट आई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, मायूस मत होना,
हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, हम आपको पास करवाएंगे, और मेरी उम्मीद है 98% रिजल्ट 100% हो जाएगा जब कंपार्टमेंट के और उसके नतीजे आएंगे। आप बिल्कुल मायूस मत होना, पूरी दिल्ली सरकार आपके साथ है, पूरा तंत्र आपके साथ है, आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवा के हम आपकी मदद करेंगे। और जब मैं कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल्स के 92% नतीजे, सरकारी स्कूलों के 98%, हम प्राइवेट स्कूल के खिलाफ नहीं है, ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों के बीच में, ये केवल ये दिखाता है कि कल तक सरकारी स्कूल एक हीन भावना से ग्रस्त थे। किसी के पास भी पैसा होता था वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहता था, लेकिन आज ये सरकारी स्कूलों के नतीजों ने वो हीन भावना खत्म कर दी है। आज सरकारी स्कूलों के बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ना एक गर्व की और फख्र की बात मानी जाती है, वो हीन भावना कम हुई है। मैंने अपने बच्चों को देखा है, सरकारी स्कूलों के कई बच्चे को मैंने फर्राटे की अंग्रेजी बोलते हुए देखा है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चों के आईआईटी के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, उनके मेडिकल के अंदर एडमिशन हो रहे हैं, एडवोकेट। तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आज मेन स्ट्रीम, भारत की मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं, देश की मेन स्ट्रीम के अंदर आए हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनका बहुत सुनहरी भविष्य हो। आपके शिक्षा मंत्री साथ में बैठे हैं, वो भी आपके साथ कुछ साझा करना चाहेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने, सभी शिक्षकों ने पिछले 5 साल में बहुत मेहनत की है और आज इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि CBSE के 12वीं क्लास के नतीजे 98% आए हैं। ये जब 2015 में शुरुआत की थी तो उस वक्त 80, 85, 86% जब नतीजे आते थे तो लगता था कि कभी 90% भी पार कर पाएंगे तो बड़ी बात होगी, लेकिन 90%, फिर 94%, फिर आज 98%, और उम्मीद है कि जैसा आपने कहा 2% बच्चों को भी खूब मेहनत कराएंगे तो 100% हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही है कि जो बच्चे पास हुए हैं वो बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चे जिनके यहाँ पढ़ाई पहली पीढ़ी, शायद बहुत सारे बच्चे तो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं जिनके यहाँ पहली पीढ़ी हाई स्कूल पास कर रही होती है या 12th पास कर रही होती है। वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, पंजाब से और देश के कोने कोने से आके दिल्ली में रह रहे हैं, कोई रोजी रोटी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं। उनके घर में बच्चों का स्कूल में पढ़ना और फिर अब अच्छे नंबर लेके पास होना बहुत बड़ी बात है। तो ये सिर्फ पास नहीं हो रहे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पहले ऐसे भी स्कूल होते थे जिनके 50-50%, 40% रिजल्ट होते थे, बहुत सारे स्कूल ऐसे होते थे। बहुत बड़ी संख्या में स्कूल होते थे जिनके 60%, 70% से नीचे नंबर आते थे, पास परसेंटेज होता था। लेकिन इस बार हमारे 916 स्कूल्स में से 897 स्कूल ऐसे हैं, यानी कि कुल 19 स्कूलों को छोड़ दें तो 870 सारे के सारे स्कूल, 19 स्कूलों को छोड़ के 90% से ऊपर पासिंग मार्क्स हैं, जिसमें 90% से ऊपर पास हुए हैं जिसमें बच्चे। और इसमें से 396 स्कूल तो ऐसे हैं जो जहां पे 100% बच्चे पास हुए हैं। पिछले साल 203 स्कूल ऐसे थे जहां 100% बच्चे पास हुए थे, इस बार 396 ऐसे हो गए। तो ये परसेंटेज जो स्कूलों का रिजल्ट है हमारे लिए वो बहुत एंकरेजिंग है कि बहुत सारे एरियाज में स्कूल हमेशा पिछड़े माने जाते थे, अब उनका परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज भी 90% से ऊपर आने लगा है। लेकिन सिर्फ पासिंग परसेंटेज नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक उनके बच्चों के नंबर कितने आते हैं ये भी मायने रखता है। उसका एक क्वालिटी इंडेक्स बनता है जिसे QI कहते हैं, वो भी जारी होता है। QI पे देखें तो 2018 में 291 QI था, क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, पास होने वाले बच्चों के नंबर वही 40-50 आ रहे हैं या 90 तक आ रहे हैं, 94%, 95%, 98% तक आ रहे हैं। उस बेस पे जो इंडेक्स बनता है, 291 से पिछले साल 306 हुआ और इस बार 341 एवरेज है। हमारे
सबसे टॉप में इंडिया में जो रहे हैं, जिन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा बाजी मारी है, राजकीय प्रतिभा विद्यालय, दिल्ली सरकार के 21 प्रतिभा विद्यालय हैं, इनका रिजल्ट रहा है 99.92%। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमने स्कूल ऑफ एक्सलेंस शुरू किया था, नए स्कूल शुरू किए थे स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नाम से, इसमें भी 3 स्कूलों में 100% बच्चे पास हुए हैं, 5 स्कूल शुरू किए थे, 2 स्कूलों में एक एक बच्चा फेल हुआ है। ये भी अपने आप में एक अच्छा मॉडल है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई है इस बार के रिजल्ट में, जो इवनिंग क्लासेस होती थी, आमतौर पर माना जाता था इवनिंग क्लासेस में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है, हमने पिछले 1-2 साल में काफ़ी मेहनत की है। पिछले साल इवनिंग क्लासेस का जो रिजल्ट था वो 89.69, मतलब 90% बच्चे पास हुए थे। लेकिन इस बार इवनिंग क्लासेस में जो इवनिंग स्कूल होते हैं, 96.53, यानी 96% से ज़्यादा बच्चे पास हुए हैं। इवनिंग का रिजल्ट भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और हमें लगता है कि इसी तरह से मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और सभी टीचर्स का साथ, सभी बच्चों का हौसला बना रहे, सभी टीचर्स का साथ बना रहे, तो बहुत जल्द दिल्ली में हम 100% रिजल्ट भी अचीव करेंगे और आने वाले समय में हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे, जैसा अब शुरुआत भी हो चुकी है, देश में, दुनिया में अपना मापदंड, अपना मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद।